एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स जोन स्टडीज। आई होप यू ऑल आर वेल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेंसेस। ग्रामर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है टेंस। टेंस बच्चों को थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो ये वीडियो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स्थ के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, टेंस की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, टेंस के टाइप्स डिस्कस करेंगे एंड इजी लैंग्वेज में उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेंस होता क्या है? टेंस वो टॉपिक होता है जो हमें किसी एक्शन के टाइम के बारे में बताता है। ये हमें ये बताता है कि कोई काम किस टाइम पे हुआ है। ओके, तो टेंस की डेफिनेशन होती है, ए टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस जो होता है वर्ब की एक फॉर्म है, दैट शोज टाइम, जो हमें टाइम शो करता है। द टेंस ऑफ वर्ब टेल्स अस व्हेन एन इवेंट और समथिंग इज एग्जिस्टेड एंड व्हेन ए पर्सन डिड समथिंग। टेंस की जो वर्ब होती है वो हमें ये बताती है कि कौन सा इवेंट और क्या कब हुआ है एंड किसी पर्सन के द्वारा कोई एक्शन किस टाइम में किया गया है, किस टाइम पीरियड में, पास्ट में किया गया है, प्रेजेंट में किया गया है या फ्यूचर में किया जाएगा। देन टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंस के कितने टाइप होते हैं? टेंस के तीन टाइप होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस क्या करता है? डिस्क्राइब एन इवेंट हैपन्ड इन पास्ट। तो पास्ट टेंस हमें एक इवेंट के बारे में बताता है जो पास्ट में हुआ है, जो हो चुका है। एंड प्रेजेंट टेंस समथिंग टेल्स अबाउट समथिंग दैट करेंटली गोइंग ऑन। और प्रेजेंट टेंस हमें उसके बारे में बताता है जो इवेंट अभी चल रहा है। एंड फ्यूचर टेंस डिस्क्राइब एन इवेंट और एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू हैपन इन फ्यूचर। और फ्यूचर टेंस जो होता है वो डिस्क्राइब करता है किसी एक्शन को जो कि फ्यूचर में होने वाला है। तो इस टाइप से हम टेंस के टाइप्स करेंगे। अब हम इस वीडियो में आज प्रेजेंट टेंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि तीनों टेंस को अगर हम इस वीडियो में डिस्कस करते तो ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाता। तो आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। नाउ कम्स ऑन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स समथिंग दैट करेंटली हैपन और गोइंग ऑन। ये हमें उसके बारे में बताता है जो काम अभी हो रहा है या अभी हुआ है। जैसे कि राधा लेटर लिख रही है, तो वो काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है। मोहन घर जा रहा है, सीता दिल्ली जा रही है, तो वो काम प्रेजेंट में हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए। अब प्रेजेंट टेंस भी आगे हमारा फोर टाइप्स का होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये फोर टाइप्स होते हैं प्रेजेंट टेंस के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसके लिए यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। यूनिवर्सल ट्रूथ लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो कि चेंज नहीं हो सकता। सन ईस्ट से ही राइज होता है और ईस्ट से ही राइज होगा, तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो उन सब यूनिवर्सल ट्रूथ्स के लिए हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन है जो हम डेली रूटीन में फॉलो कर रहे हैं, लाइक मीरा वॉक्स इन द मॉर्निंग। तो मीरा डेली वॉक कर रही, ये एक्शन रूटीनली हो रहा है, हैबिचुअल है ये, तो इसके लिए हम कौन से टेंस का यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। एंड न्यूज़पेपर हेडलाइंस के लिए, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। नाउ हम इसके फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे। असर्टिव रूल, असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं उनके लिए हम कैसे इसको यूज करते हैं, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा सिंगुलर के लिए फॉर्मेट है। सेंटेंस का एक फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसके साथ एस और ई एस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीना वेक्स अप इन द अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे हमने ई एस का यूज किया है, वेक के साथ एस का यूज किया है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो रीना वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बॉयज रन इन। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा नाउन प्लूरल है, हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, एस और ई एस का यूज नहीं करेंगे। लाइक बॉयज रन इन द स्टेडियम, तो बॉयज हमारा प्लूरल है इसलिए हमने रन का यूज किया, रन्स का यूज नहीं किया है।
नेक्स्ट होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है? सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नोट प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के साथ हम डू डज देन नोट एंड देन एस ई एस और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें हम नोट का यूज करते हैं। तो इसका फॉर्मेट अगर फॉलो करें तो इसके एग्जाम्पल हैं, शी डज नोट राइट ए लेटर। डज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है एंड डू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। तो इसका एग्जाम्पल होगा शी डज नोट राइट ए लेटर। तो नोट आ गया नेगेटिव की सेंस के लिए एंड सिंगल सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज का यूज करेंगे। अब यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ डू का यूज हुआ है। यू डू नोट प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे। तो यहाँ पे हमने डू का यूज किया है क्योंकि यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। देन हमारा नेक्स्ट सेंटेंस फॉर्मेट होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो होते हैं हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंस। तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, डू और डज हमारा सब्जेक्ट से पहले आएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। डू दे प्ले फुटबॉल, डू दे प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था तो हमने डू का यूज किया है। डज शी राइट ए लेटर, यहाँ पे शी सिंगुलर है इसलिए हमने डज का यूज किया है। तो इस टाइप से हम बच्चों को प्रेजेंट टेंस के बारे में समझा सकते हैं विद एग्जाम्पल। देन हमारा नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो ये होता है कि कोई एक्शन हमारा चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है वो। तो अजर्वेटिव रूल, अजर्वेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल शी इज राइटिंग, वो अभी लिख रही है। इज एम आर का यूज कैसे करते हैं? एम आई के साथ यूज होता है, इज सिंगुलर के साथ यूज होता है एंड आर हमारा प्लूरल के साथ यूज होता है। लाइक ही इज ड्राइविंग, शी इज राइटिंग, आई एम डूइंग दिस। तो इस टाइप से हम अजर्वेटिव सेंटेंस के लिए इसको यूज करते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे नोट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप से लिख सकते हैं। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जोनी इज लर्निंग म्यूजिक, द सन इज शाइनिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जाम्पल हैं। बीना इज रीडिंग ए बुक। तो इस टाइप से हम बच्चों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बता सकते हैं। थर्ड है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है? वर्क कंप्लीट है बट इम्पैक्ट प्रेजेंट में है, कोई काम हो चुका है लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है। लाइक आई हैव डन द वर्क ए सेकेंड अगो, आई हैव डन दिस वर्क। तो आई हैव डन दिस वर्क हमारा करेक्ट सेंटेंस है, आई हैव डन द वर्क, डन द वर्क ए सेकेंड अगो, ये हमारा रोंग है क्योंकि अगो हमारा परफेक्ट टेंस में यूज नहीं होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे आई हैव डन दिस वर्क, मैंने ये काम अभी किया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होगा क्योंकि ये काम अभी हुआ है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल शी हैज रिटन ए लेटर, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है शी हैज रिटन ए लेटर और ये हमारा असर्टिव सेंटेंस के लिए था। अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सीता हैज नोट डन दिस, सीता ने ये नहीं किया है, यहाँ पे नोट आ गया नेगेटिव को सेंस कराने के लिए। तो इसी टाइप से नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम नोट का यूज करेंगे। देन इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वाले सेंटेंस, तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आ जाएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज शी रिटर्न दिस लेटर, तो वो इससे पूछ रहा है कि क्या उसने ये लेटर लिखा है। तो हैज हमारा फर्स्ट पहले आएगा सब्जेक्ट से भी, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी तो वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस भी यूज होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस का फॉर्मेट होता है पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन फॉर एंड सिंस देन ऑब्जेक्ट। आई हैव इसका एग्जाम्पल देखे तो आई हैव टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, जो एक्शन हमारा पास्ट से चलता आ रहा है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, तो उसके लिए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। फॉर हमारा टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज होता है और सिंस हमारा एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज, फॉर हमारा किसी टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं एंड डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में कम्प्लीट डिस्कस कर लिया है। देन हम बच्चों को रिवीजन के लिए इस टाइप से एक टेबल दे सकते हैं प्रेजेंट टेंस की, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये प्रेजेंट टेंस के लिए हम इस टेबल के थ्रू उनका रिवीजन करा सकते हैं। लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट पर्सन आई वी हमारे अपने लिए यूज होता है, सेकेंड पर्सन तुम्हारे लिए एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लाइक आई डांस, देन सेकेंड पर्सन के लिए यू डांस, ही शी इट डांसेस, देन हम प्लूरल के लिए बात करें तो वी डांस, यू डांस, दे डांस। तो इस टाइप से हम टेबल के थ्रू बच्चों को इजीली रिवाइज करा सकते हैं। देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो सिंगुलर के लिए आई एम डांसिंग, यू आर डांसिंग, थर्ड पर्सन के लिए ही शी इज डांसिंग, प्लूरल वी आर डांसिंग, यू आर डांसिंग, दे आर डांसिंग। परफेक्ट के लिए सिंगुलर एंड प्लूरल में सिंगुलर होगा आई हैव डांस्ड, यू हैव डांस्ड, शी हैज डांस्ड, प्लूरल वी हैव डांस्ड, यू हैव डांस्ड, दे हैव डांस्ड। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट में आई हैव बीन डांसिंग, सेकेंड पर्सन के लिए यू हैव बीन डांसिंग एंड फॉर थर्ड पर्सन ही हैज बीन डांसिंग, प्लूरल में वी हैव बीन डांसिंग, यू हैव बीन डांसिंग एंड थर्ड पर्सन के लिए दे हैव बीन डांसिंग। तो इस टाइप से हम शॉर्ट में बच्चों को इजीली पूरा प्रेजेंट टेंस रिवाइज करा सकते हैं। तो आप बच्चों को रिवीजन के लिए इस टेबल का यूज जरूर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक वीडियो में इन सब की कुछ एक्सरसाइज करेंगे, जिससे बच्चों को अच्छे से डिफरेंशिएट हो जाएगा कि प्रेजेंट टेंस कैसे होता है, पास्ट टेंस कैसे होता है, देन फ्यूचर टेंस कैसे होता है और किसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है एंड वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।